वेलकम बैक खातिन हज़रा। शामी साहब हमें बता रहे हैं कि इस मसले की उनकी निगाह में असल वजह क्या है। देखिए ना, पर इसलिए हमें ये बड़ी नज़ाकत का मसला है। एक आदमी जो दानिश्वर है, जो तौहीन, देखिए ना, बड़ी सीधी बात है, लॉ ऑफ डेफेमेशन जो मौजूद है, लोगों की तौहीन क्या होती है और उनसे उनके तबादला ख्याल क्या होता है, हर एक को पता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो तौहीन मुराद है जो क्लियर कट तौहीन है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, उसकी सजा मौत है, पूरी नियत के साथ, इरादे के साथ। अब अगर एक पादरी के दरमियान, एक मौलवी के दरमियान बहस हो रही, एक हिंदू जो है उसके और मेरे दरमियान बहस हो रही, वो मेरे अकायद नहीं मानता, वो मेरा अल्लाह नहीं मानता, मेरा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस पर ईमान नहीं रखता, तो मैंने उसको कैसे कायल करना है? शामी साहब, ये लेकिन फरमाना होगा आपको कि जब हमें ये मालूम हुआ कि हमने कानून नाफिज कर दिया और कानून बन गया और कुछ केसेस आने भी लगे और फिर यके बाद दीगरे वाकयात पेश आए और पता चला कि इसका अब्यूज़ हो रहा है और हमारी कौम का मिजाज ऐसा है कि मुकदमा या शुरू होना या इसी पे इल्ज़ाम लगने का मतलब है कि फैसला हो गया, ये हुआ ना, ठीक। तो अब इस सूरत हाल में आप नहीं समझते कि हमारे उस रद्द अमल को, जिसका जिक्र मैंने हाफिज़ साहब से भी किया, डॉक्टर अनीस से भी किया, कि वो तो एक हक बात है कि आपको जिस कानून को नाफिज करना हो आपके नज़दीक उसको नाफिज करना चाहिए, इसलिए कि कानून से वो चीज़ जाब्ते में आ जाती है और सोसाइटी उसके मुताबिक फिर एक्ट करती है और वायलेशंस नहीं होती हैं और आप किसी बेसिस पर किसी से मुआरजा कर सकते हैं। लेकिन आप जब देखते हैं कि उस कानून के इस्तेमाल से हमारी सोसाइटी का जैसे मिजाज और नफ्सियात और उसकी अपब्रिंगिंग है, उसके लिहाज से ही मसले पैदा होने शुरू हो गए, तो फिर क्या करना चाहिए? देखिए, बात क्या, फिर देखना चाहिए मसले क्यों पैदा हो रहे हैं और जहां जहां मसले पैदा हो रहे हैं उनको दुरुस्त करना चाहिए। देखिए, अब आप मुझे बताएं, झूठा पर्चा कटवाना किसी पर, झूठी दरखास्त देना, झूठा मुकदमा करना, आज भी कानून में काबिले ताज़ीर है। बिल्कुल। लेकिन हमारी अदालतें किसी शख्स को सजा नहीं देती झूठा मुकदमा दर्ज करवाने पर, किसी चोरी का हो, डाके का हो, कत्ल का हो, झूठे मुकदमे दर्ज करवाए जाते। इसी तरीके से ये तौहीने रसालत के वो वाकयात जिनमें सुप्रीम कोर्ट ने और हाई कोर्ट ने मुल्जमों को बरी कर दिया, उनके जो मुद्दई थे उनके खिलाफ किसी ने क्या कार्रवाई की? बोहतान लगाने वाले पे किसी, अगर कार्रवाई होती तो फिर फैसला ये बोहतान लगाने से पहले हजार दफा सोचा जाता। बिल्कुल। तो देखिए, हम बात को सिरे से नहीं पकड़ना चाहते, दरमियान से पकड़ना चाहते। फलसफी को बहस के अंदर खुदा मिलता नहीं और डोर को सुलझा रहा है और सिरा मिलता नहीं और हम में से हर चीज फलसफी बन चुका है। देखिए, हम बात जहां जहां पानी गिर रहा है, जहां नशेब है, वहां कार्रवाई करें। यानी हमने बुनियाद से मसले को देखना पहले नहीं किया और जब कोई मसला पेश आ जाता है उस वक्त हमारा रद्देअमल अमूमन जज्बाती हो। और फिर जो जिम्मेदार लोग हैं, अब किसी ने रोका है कि ये कानून में तब्दीली हो जाती है, कोई झूठा इल्जाम लगाएगा तो उसको भी वही सजा मिलेगी। क्यों? कि झूठा इल्जाम लगाने वाला जो है माज़ल्ला, वो खुद तौहीन का इर्तिकाब कर, बिल्कुल सही, वो तो बदतरीन आदमी है और उसको सजा मिलनी चाहिए। एक आदमी को अगर सजा मिल जाती तो फिर आप देखते हैं कि आज मंदिर बिल्कुल मुख्तलिफ होता। सही। हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर इस वक्त आ गए हैं, इंतजार कर रहे थे, हसन निसार साहब का, मुल्क के मुमताज दानिश्वर और कॉलम निगार। अस्सलाम वालेकुम हुजूर। आपके नज़दीक ये जो हमारी माशरती रविश है और उसके पीछे इस तरह के कवानीन हैं, आप उसको कैसे देखते हैं? रसूल के जान भी कुर्बान है वाली बात तो ठीक है, लेकिन हिदायत पे रसूल के बारे में क्या ख्याल है? बिल्कुल सही। एक ऐसे सिपाही की क्या सजा होनी चाहिए जो अपने कमांडर की अतात का ऐलान भी करे और फिर उसके अहकामात के बरक्स हरकत करे? सही। हम बहसियत उम्मत, हम में से तो फिर अगर इस एतवार पे अगर वाकई आपने खरे खोटे की सही पहचान करनी है तो फिर तो हम सारे इस जुर्म के मुर्तकब हैं। हाँ, लेकिन ये हसन निसार साहब बात सही है जो मुख्तलिफ तरफ से आती है सामने कि एक बहरहाल बेहुरमती, गुस्ताखी एक अलग इशू है और नाफरमानी या गुनाह या जो आप ये कहिए अमल में कमी, ये एक दूसरी चीज है। अच्छा, दूसरे बात में अर्ज करता हूँ, देखिए जहाँ आपका जोर चलता है वहां तो आप फांसियां लगा लें। हेलो जी, जी हम सुन रहे हैं, आप फरमाइए। पूरी दुनिया में जहाँ आपकी कोई हैसियत नहीं है, ज्यादा ज्यादा आप अपने टायर जला के अपना सीना को भी कर सकते हैं, वहां अगर ये सब कुछ होगा तो वहां आप क्या करें? शॉर्टकट है। देखें, हम बहसियत कौम जहालत जो है जज्बातियत को जन्म देती है, उसके शिकार हैं लोग और कुछ लोग उसको एक्सप्लॉयट भी करते हैं। उनके लिए दीन दुकान से ज्यादा कुछ नहीं है, उन लोगों को एजुकेट करने की बजाय उसको एक्सप्लॉयट करते हैं, उसमें हीरो बनने की कोशिश करता है, कोई कुछ करता है। ये शॉर्टकट है। तौहीन रसालत इस तरह के मामलात का अगर सत्यबाप करना है आपने तो हर मुसलमान को एक ऐसा रोल मॉडल बनना चाहिए कि दुनिया सोच में पड़ जाए कि
ये जो लोग हैं ये अगर इतने खूबसूरत हैं और इतने परफेक्ट लोग हैं ये, तो फिर ये के मानने वाले हैं वो हस्ती कैसी होगी? सही, बिल्कुल सही। और दूसरे जब आप रहमतुल्लाह आलमीन की बात करते हैं तो उनके नाम के साथ तो सवाए रहमत के और माफी के वाबस्ता मुझे वो सारी मिसालें पता है, वो ना मुझे को बताए कि किन किन मौके पे किन किन लोगों को सजाएं दी गई। डिफरेंट केसेस, एक आदमी है जाहिल है रिटार्डेड है जिन्नी तौर पर पागल है, मुझे को पागल अगर पत्थर मार देगा मैं तो जवाबन उसे पत्थर मारना ही है, उसके खिलाफ FIR कटवाने की बजाय मैं तो उसको अगर मैं खुद होशमंद हूं तो मैं तो आई विल टेक हिम टू द हॉस्पिटल। किसी ने किसको क्या कहा है, उसको किस मिस इंटरप्रेट किया गया है, फाइनल हर्फ जो बंदा कहता है वो अगर अपनी ही किताब पे, वो औरत हो या मर्द हो आसिया हो या कोई और हो, वो अपनी किताब पे हाथ रख के कह दे कि नहीं मैं नहीं उनकी तौहीन का तसव्वुर कर सकती या कर सकता। हाँ, लेकिन वो हमारे उलमा बैठे हैं यहाँ हाफिज साहब यही फरमाएंगे कि कुछ ऐसे मामलात हैं जिसमें तौबा और माफी नहीं है, फिर आप क्या कहेंगे? ये इनकी इंटरप्रिटेशन होगी ना जी, मेरी नहीं है। नहीं, तौबा तो ये है, तौबा की बात अलग है। एक बार डॉक्टर साहब, एक बार, ये तौबा नहीं है, ये और चीज है। ये और चीज़ कहता है कि मैंने जुर्म किया ही नहीं, किया ही नहीं, ये तो अलग बात है, ये तो अलग बात है। ये आपने एक मिनट हसन साहब ने बड़ी जबरदस्त बात की है कि औरत अपने आप को खुद कहती है मैंने किया ही नहीं था, हम उसकी बात मान लेनी चाहिए। ये किसने माननी है? ये मैंने माननी है, मैं तो नहीं सजा दे रहा, ये तो काम अदालत का मानने का, उसको मानती है कि नहीं। लेकिन जब अदालत उस ट्रायल के नतीजे में जो कि पुलिस के जरिए हुआ है और SP के सामने से कन्फेस किया और अदालत ने उसको सजा दिया, अदालत के प्रोसीजर के तहत अगर उसको बेगुनाह करा दिया जाए पूरी कौम को जरा भी इस पे कोई नहीं। हाफिज साहब, एक बात जरूर है, हसन निसार साहब भी हमारे साथ हैं, कि हमारी अदालतों का हाल हमें मालूम है। मेरी गुजारिश है तो फिर वही इंतहा पसंद ही फरोख पाएगी। देखिए, मैं मेरी गुजारिश सुन लें, मैं अर्जी कर रहा हूँ, SM जफर साहब ने ये फरमाया कि मैं मौत की सजा का मुखालिफ नहीं हूँ, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि यहाँ लोग अंडरस्टैंड करें कि जिस तरह झूठी गवाहियां दी जाती हैं और जिस तरह से गवाह बिकते हैं, तो मैं चाहता हूँ नजर सानी हो इस बात पे कि माशरे को ठीक करें, उसके बाद मौत की सजा नहीं। डॉक्टर साहब का तो रिस्क सारा जो है ये अदालतों से वाबस्ता है। देखें जी, देखिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद फरमाया कि मैं जब कोई सजा देता हूँ तो वो सजा जो है हकीकी नहीं होती, वो मैं शहादतों की बुनियाद पे होती है, शहादतों की बुनियाद पे होती है। यानी अगर कोई शख्स कातिल करार पा गया है तो शहादतों की बुनियाद पर कातिल करार पाया है, ठीक है, ये मतलब नहीं है कि वो हकीकी तौर पर कातिल। आपने यही फरमाया कि किसी का हक लेके दूसरे को देता हूँ तो जहन्नम का टुकड़ा दिया गया, उसको जन्नत नहीं मिली, उसको सराय नहीं मिली। और ये हो सकता है कि पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फैसला जाहिरी हकायक के ऊपर हो और असल हकायक उस वक्त, इसके बारे में मैं कोई राय देने की पोजीशन में नहीं हूँ, लेकिन मैं कह रहा हूँ कमेंट दिया है इस अपने फैसले के वाले से। हम हसन निसार साहब से ये पूछना चाहेंगे कि जिस सोसाइटी में ये हालात हों गवाहों के और कानून के एक्सेप्टेंस के और कानून के निफाज के, उस सोसाइटी में हमें फिर मामलात के को जड़ से कहां से ठीक करना चाहिए, ये मैं चाहूंगा आप बताएं। सूरत हाल ये है कि इधर हमारे को काम करने वाले गलत हैं, वो तो कहे गायब हो गया आया, मैंने कहा किधर, कि जी नमाज पढ़ने गए थे, मैंने कहा नमाज क्या पढ़ा है तुमने, वो चुप थे, झूठ बोल रहे थे, मैं आपका कुछ नहीं था। ये रिटार्डेड गरीब अब शर्फ इंसानियत से अल्लाह माफ करे गिरे हुए लोग हैं, ये पीसे रोंदे कुछ नहीं, आप किन की बात कर रहे हैं, वो जरा बता दो। हम लोगों की मुल्क की मुहावरा ये चलता है यहाँ कि वकील क्या करना है, जज ही कर लो। जी सही है, ये मुहावरा मैंने नहीं बनाया ना। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सही फरमाया आपने, ये तो पूरी सोसाइटी ने मिलकर बनाया। बाकी ये है कि अगर ये हायर कोर्ट से अभी जाने देते और बात सुने, यहाँ कानून हाथ में लेने का बड़ा रिवाज है, हर बंदा लगोटी बांध के छलांग मार के मैदान में आ जाता, किस चक्कर में? डिसिप्लिन भी तो चीज है, अगर एक चीज का इख्तियार सदर को है तो है, ठीक, जाओ और जाकर उसको पहले तब्दील करो कानून को, ठीक बात है। चैलेंज हसन निसार साहब, आपका बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजी। खातिन एक ब्रेक की इजाजत दीजिए, ब्रेक के बाद हाजिर।